हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको फिक्सेटिव स्प्रे घर पे कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताएंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले थोड़ा पानी लेना पड़ेगा। पानी आप अपनी तरह से ज़्यादा या कम ले सकते हैं। उसके बाद आपको पानी के अंदर फेविकॉल डालना है। फेविकॉल ज़्यादा नहीं डालना है, पहले कम डालना है। उसके बाद अच्छे से उसको मिक्स कर देंगे हम। पानी जैसा भी नहीं चाहिए ज़्यादा, और ज़्यादा ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो स्प्रे की बोतल में हम यूज़ करेंगे उसमें से ज़्यादा होगा तो वो निकलेगा नहीं, इसलिए मीडियम हमें रखना है, उसका ध्यान रखना है आपको। बाज़ार में जो स्प्रे मिलता है वो महंगा आता है, 200 से लेके 300 तक का, और उसमें स्प्रे भी ज़्यादा नहीं रहता है, तो ऐसे हम घर पे बना के यूज़ कर सकते हैं। स्प्रे फिक्सेटिव स्प्रे लगाने से हमारा जो फीचर होता है उसको प्रोटेक्ट मिलता है, वो बिगड़ने की संभावना कम हो जाती है उसकी। उसके बाद हम उसको एक ऐसी छोटी बड़ी बोतल में भर देंगे। उसके बाद जो उसको हम स्प्रे लगाएंगे ऊपर, वो आप कार वॉश करने के लिए जो यूज़ करते हैं वही है, और जो हेयर कटिंग करते हैं वो लोग भी यूज़ करते हैं। तो ये आपको 10 या 20 रुपीज़ तक में मिल जाएगा। इसकी ये नहीं है आपके पास तो, जो आपके पास परफ्यूम की बोतल है या स्प्रे की बोतल है दूसरी पुरानी, उसमें से ये निकाल के ऐसा आप लगा सकते हैं। उसके बाद उसको आप अच्छे से चेक कर लेंगे हम, अच्छे से हो रहा है या नहीं। उसके बाद हम पिक्चर में ट्राई करेंगे। बैकग्राउंड में ऐसे अच्छे से न्यूज़पेपर रख देना है ताकि आपका जो बैकग्राउंड है वो बिगड़े ना। ये मैंने बच्चों को सिखाने के लिए गणेशा पेंटिंग बन पेंसिल शेडिंग में बनाया था, उसके ऊपर हम अच्छे से कर देंगे। ये पेपर पतला है तो थोड़ा अब स्प्रे लगाने के बाद वो ढीला हो जाएगा। बाद में हम उसको अच्छे से धूप में या फैन के नीचे सुखाने के लिए रख सकते हैं। दूसरे मेरे पास जो पेंसिल शेडिंग में जो पिक्चर बनाए थे वो हम यूज़ करेंगे। बच्चों को सिखाने के लिए मैंने एलिफेंट का पेंसिल शेडिंग में पिक्चर बनाया था, उसके ऊपर भी हम अच्छे से कर लेंगे। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको ऐसे नए नए वीडियो मिलते रहे। ये हमारा बैकग्राउंड बिगड़ चुका है तो अब हम अच्छे से न्यूज़पेपर, नया न्यूज़पेपर अभी मैं आपको घिस के दिखा रहा हूँ। देखो, यहाँ पे ग्रेफाइट निकलता है। अब हम उसके ऊपर स्प्रे करके आपको मैं बाद में दिखाऊंगा निकलता है कि नहीं निकलता है ग्रेफाइट। ये लगाने के बाद हमारा जो पेंटिंग है वो अच्छे से प्रोटेक्ट हो जाएंगे। ये ऑयल पेस्टल में मैंने बनाया था गुरु पूर्णिमा के दिन, उसको भी हम अच्छे से कर देंगे। एक दूसरा तरीका है, जिसके पास वो स्प्रे का जो ऊपर का जो ढक्कन है वो नहीं है तो आप ब्रश से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, दोनों से अच्छे से हमारा स्प्रे हो जाएगा, पिक्चर प्रोटेक्ट हो जाएंगे। तो दोनों तरीक़ों में से आपको जो भी अच्छा लगता है वो यूज़ कर सकते हैं आप। ब्रश में थोड़ी मेहनत ज़्यादा है लेकिन ब्रश से काफ़ी अच्छा हो जाता है। दोस्तों, ये सूख चुका है जो हमने पहले फर्स्ट किया था स्प्रे। अब मैं आपको उसके ऊपर उंगलियां घिस के दिखा रहा हूँ। मैं देखो, मेरी उंगलियां एकदम क्लीन है।
फिंगर, उसको घिस के दिखा रहा हूँ, देखो ग्रेफाइट निकलता नहीं है। अब सबसे डार्क जो हिस्सा है उसके ऊपर मैं आपको घिस के दिखा रहा हूँ, फिर भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे लाइट वाले हिस्से पे भी करके देख लेते हैं। तो आप भी ऐसे जो उसका जो ये पिक्चर की जो आउटलाइन है बॉर्डर, उस वो मैंने स्केच पेन से की थी, तो उसके लिए वो थोड़ी बिगड़ गई है क्योंकि उस स्केच पेन वाटर इफेक्ट आता है इसलिए। बाकी हमारा जो शेडिंग है उस पे से ग्रेफाइट निकला नहीं है, तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।